कस्बा व थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत पुष्पराज केसरवानी एक वहाँ पे दुकान करते हैं। उनके पुत्र शुभ को कल उनके एक ट्रक्स जो चलते हैं उसका ड्राइवर जो है, उनका भाई और उसका भतीजा और रिश्तेदार, ये उनके बेटे को जंगल में खरगोश दिखाने की बात कह के उसको अपने साथ ले गए और इन्होंने वहाँ पर ले जाके उसकी हत्या की। और हत्या करने के बाद इन लोगों ने बाद में एक कॉल मिला दिया और कॉल मिलाकर इन लोगों ने एक रैंसम मनी की बात की। इसमें जब विवेचना चली, क्योंकि पहला जो उनका द्वारा कॉल था वो 8:15 के आसपास था जो रिस्पॉन्ड नहीं हो पाया, 2 कॉल्स पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाए परिवार। बाद में उन्होंने कॉल बैक किया तो देर से कॉल बैक करने के बाद उन्होंने ये बात कही और फ़ोन काट दिया। तो इस पे फिर उसके बाद पुनः कोई कॉल दोबारा नहीं किया उन्होंने। इसकी टेक्निकल एनालिसिस और अन्य सूत्रों से जानकारी करते करते फिर जो व्यक्ति है गणेश, इस तक पहुँचे और गणेश के साथ में मिलकर रात भर कॉम्बिंग हुई। फिर इनकी निशानदेही पे ही यहाँ बरगढ़ का जंगल जो जनपद चित्रकूट में पड़ता है वहाँ पे शुभ की बॉडी मिली। इस गणेश के द्वारा बताया गया कि जो 2 मेन अभियुक्त हैं वो शंकरगढ़ में एक निर्जन स्थान पर छुपे हुए हैं और वो भागने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस की टीम्स के द्वारा इस जगह की घेराबंदी की गई और इनको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। इसमें इनके द्वारा पुलिस की टीम्स पे फायरिंग की गई। जवाबी बचावी कार्रवाई में, अपने को बचाने की कार्रवाई में पुलिस की टीम्स ने जो फायर किया उसमें इन 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है जिन्हें अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया है। मुठभेड़ में एक सिपाही हैं सागर देवरिया शंकरगढ़ थाने के, वो भी चोट लगी है उनके। और इनके पास से 2 पिस्टल्स, 4 कारतूस, बिना नंबर की मोटरसाइकिल और जो फ़ोन इस्तेमाल हुआ है वो रिकवर हुआ है। और विवेचना से संबंधित अन्य कुछ चीज़ें रिकवर हुई हैं, जैसे जो शर्ट इन्होंने यूज़ की थी और उसको धोने का प्रयास किया वो शर्ट, अन्य कई विवेचना से संबंधित अन्य चीज़ें इनके पास से रिकवर हुई हैं। इसमें अभी इनको उपचार के लिए अस्पताल रेफ़र किया गया है और अभी गहन विवेचना इस संबंध में की जा रही है कि इनके द्वारा जो है वो क्या दुर्भावना थी, क्या मन में दुर्भावना थी या लालच था या दोनों था, इसके संबंध में अभी गहन विवेचना की जा रही है। बच्चे को ले जाते समय इनके द्वारा ये कहा गया कि खरगोश हम देखने जा रहे हैं और खरगोश देखने हमारे साथ चलो। इनका क्या संबंध था अपराधियों का और बच्चे के पिता से? जो मुख्य अपराधी है उसका भाई जो है वो इनके पिताजी के यहाँ ट्रक चलाता है, वो ट्रक का ड्राइवर है। तो केसरवानी जी का ट्रक चलाने वाला जो ड्राइवर है उसका सगा भाई, उसका भतीजा व एक अन्य व्यक्ति इस घटना में इन्वॉल्व हैं और ड्राइवर के रोल के संबंध में और गहन विवेचना की जा रही है। ठीक है।